दोस्तों फिज़िक्स वाला कंपनी की तरफ से हायरिंग आ चुकी है, जहाँ पे फिज़िक्स वाला कंपनी जो है परमानेंटली फ्रेशर्स को भी हायर कर रहा है। सो परमानेंटली फ्रेशर्स को भी हायर कर रहा है मतलब कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फिज़िक्स वाला कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे वो लोग फ्रेशर्स को भी परमानेंटली फुल टाइम जॉब के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। सो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपॉर्चुनिटी आई हुई है फिज़िक्स वाला के अंदर एक टीचिंग प्रोफाइल के लिए और दूसरी जो है लेक्चरर प्रोफाइल के लिए आई हुई है। सो आप लोग देख सकते हो गूगल फॉर्म जो है हमें मिल चुका है फिज़िक्स वाला की तरफ से। एंड मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो क्लियरली आप लोग स्क्रॉल डाउन कर जो गूगल फॉर्म में नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दिस फॉर्म वाज क्रिएटेड इनसाइड फिज़िक्स वाला। सो जब भी गूगल फॉर्म बनाया जाता है जिस भी कंपनी के अंदर वो बनाया जा रहा है, उस कंपनी का यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। तो ये फिज़िक्स वाला का 100% जेन्युइन गूगल फॉर्म है, कुछ फेक नहीं है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करो। बात करते हैं सबसे पहले क्या अपॉर्चुनिटी है। फिज़िक्स वाला हायर कर रहा है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप एक पैशनेट हो टीचिंग के लिए तो आप फिज़िक्स वाला के अंदर डेफिनेटली अप्लाई करो। फिज़िक्स वाला आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। सो पहली अपॉर्चुनिटी में फिज़िक्स वाला जो है एक प्रोग्राम लेकर आया, जहाँ पे वो फ्रेशर से लेकर के उन कैंडिडेट्स को जिनको 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स का, 28 ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है और CTC रहेगा 5 LPA का जो आपको मिलने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है इनिशियली जब आप सिलेक्ट होते हो तो 3.5 मंथ का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका ट्रेनिंग का जो लोकेशन रहेगा नोएडा रहेगा। एंड ट्रेनिंग के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया सबसे पहले आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, पैन कार्ड नंबर आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे, देन आपको JEE के लिए पढ़ाना है बच्चों को या फिर नीट के लिए, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कोई भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी और बॉटनी में से। देन आपको अपना होम स्टेट डालना है, देन आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने BE करा है, BTech करा है या फिर इंटीग्रेटेड है, PG करा है, MSE, MTech, MPhil में, PhD करा है या फिर अदर करा है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ग्रेजुएशन का फुल नेम आपको मेंशन करना है। देन प्लेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सो पहली जो ये अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये आपकी लोकेशन में यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपेयर होना पड़ेगा सिलेक्शन आपका होने के लिए। सो इन्होंने बोला कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म। तो जैसे आप सबमिट करते हो उसके थोड़े टाइम के बाद आपको लोकेशन का एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। सो कहाँ कहाँ पे ये लोग हायरिंग कर रहे हैं इस लोकेशन के लिए, यानी इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, कोलकाता में कर रहे हैं 15 सितंबर को, पूना में कर रहे हैं 15 सितंबर को, लखनऊ में कर रहे हैं 22 सितंबर, बेंगलोर में कर रहे हैं 21 सितंबर, पंचकुला में कर रहे हैं 29 सितंबर, नागपुर में कर रहे हैं 29, सूरत में कर रहे हैं 6 अक्टूबर को, हैदराबाद में कर रहे हैं 6 अक्टूबर को, इंदौर में कर रहे हैं 13 अक्टूबर को एंड पटना में कर रहे हैं 13 अक्टूबर को। तो ये लोकेशंस में आपकी ये लोग यहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो अगर आप इन लोकेशन से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा करके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। देन यहाँ पे इन्होंने बताया आपको अपना CV अपलोड कर देना है। CV अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ CV अपना PDF फॉर्मेट ओनली में अपलोड करना है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, देन आपको सबमिट पे कर देना। जैसे आप सबमिट करते हो फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है एंड उसके कुछ टाइम के बाद आपको जो लोकेशन है एड्रेस का लिंक और एड्रेस की डिटेल्स आपको आपके मेल ID पे दिख जाएंगी और यहाँ पे भी आपको ये लोग शो कर देंगे। देन एक और अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे ये टोटली आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ, ये आई है जूनियर ऑनलाइन लेक्चरर फैकल्टी की फॉर K3 to K8, यानी 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, वो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वर्क फ्रॉम होम ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस लेनी होंगी बच्चों की, जो इन्होंने यहाँ से मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया 6 ओपनिंग्स है इस पर्टिकुलर रोल के अंदर और आपको मीडियम जो रहेगा प्योर इंग्लिश रहेगा। सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। सैलरी आपकी रहेगी 5 LPA की।
इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटली वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर रहने वाली है। रिक्वायरमेंट्स को देख लो, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पैन टैब होना चाहिए और प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको वर्चुअल क्लासेस का एंड ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से आप फैमिलियर होने चाहिए। सब्जेक्ट्स का कमांड होना चाहिए, लाइक जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाओगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इसके अंदर आपको कमांड होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लाइव क्लासेस कैसे लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वही है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी काउंसलिंग सेशंस, जो कि गूगल प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं। देन आपको क्लासेस लेनी है, बच्चों से इंटरेक्ट करना है, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा आपका। देन आपको पजल्स वगैरह, क्विजेज वगैरह बच्चों को कराने होते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एंड जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक 10 मिनट का सैम्पल वीडियो क्रिएट करना है, जिसमें आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है। क्लास 3rd से क्लास 8 तक के बच्चों का कोई भी आप एक टॉपिक ले सकते हो, और आप कैसे उन्हें पढ़ाओगे उसका 10 मिनट का एक सैम्पल वीडियो आपको क्रिएट करना है। एंड इन्होंने बताया आपको पेन टैब की हेल्प से करना है अपना वीडियो रिकॉर्ड, एंड आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। देन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए सिंपल है, गूगल फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप अपना फुल नेम मेंशन करते हो। देन आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करोगे, आफ्टरवर्ड्स आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। देन आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। देन आप टीच कर सकते हो प्योर इंग्लिश के अंदर, यस या नो वो आप यहाँ पर चूज़ करोगे। पेन टैब या फिर लैपटॉप आपके पास है या नहीं वो आप यहाँ पे चूज़ करते हो। देन ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना जहाँ पे करंट आप काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे /A डाल सकते हो। करंट CTC कितना है और एक्सपेक्टेड CTC कितना है वो आप यहाँ पे चूज़ करते हो। नोटिस पीरियड कितना है वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड वो आपको चूज़ करना है। आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, फिर पिन कोड आप यहाँ पे चूज़ करते हो। रेज्यूमे आपको डालना है। रिज्यूमे डालने के बाद आपको आपने जो वीडियो क्रिएट करा है उसका लिंक यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, या फिर आप डायरेक्टली फाइल ऐड कर सकते हो। देन आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो ये फॉर्म भी गाइस आपका यहाँ पे सबमिट हो जाता है। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो क्लियरली मैंशन है कि ये फॉर्म जो है क्रिएट हुआ है इनसाइड फिज़िक्स वाला, तो 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है एंड 100% जेन्युइन गूगल फॉर्म है, जो कि इनके HR की तरफ से हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, डेफिनेटली आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो ये आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं इनकी ईमेल के थ्रू। एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करो। आगे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे हुए हैं, कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। एंड दोस्तों मिलते हैं कल हम आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों जय माता दी।